अगर जिंदगी में खुश रहना है तो सामने वाले की पूरी बकवास सुन लो, फिर मन में बोल दो पागल। मुझे लगता है मेरे सबर के फल का कोई जूस बनाकर पी गया है। मुझे आज तक वो इशारा नहीं मिला जो समझदार के लिए काफी होता है। अगर आपकी बीवी बहुत ज्यादा फोन चलाती है तो उसे चलाने दो, अगर फोन नहीं चलेगा तो उसकी जबान चलेगी, फिर वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। ए ऊपर वाले, प्लीज प्लीज ऊपर से 4-5 करोड़ फेंक दे, नहीं हो रहा गुजारा यहाँ। मेरे रिश्तेदार कहते हैं बेटा कैसी हो, मैं क्या ओरिजिनल है कि यहाँ ताड़ी तरह मिठी छोरी नहीं के मुंह ते स्वीट हो, माते पीछे जाके जहर उगला। भैया जब भी हम पानी पीने को उठे है ना, सारे घर के ने प्यास लग जावे, अरे हमको भी ले ये एक गिलास पानी। बचपन से ना हमारा एक ही शौक है जुज्जी कि हम अच्छे इंसान बने। अच्छा बनी, फिर बचपन खत्म, शौक खत्म। वाह, न्यू कह आग्रह सथरी लोग गंदे खेद उम्र बड्डे आग्रह देख लो माड़े बैठे हम। काम की बात करूं तो मतलब ही, बिना काम की बात करूं तो पका, बात ही ना करूं तो बड़े लोग अजीब लोग। जो लोग मुझे पसंद करते हैं उनका दिल से शुक्रिया, और जो लोग नहीं करते हैं मत करिए, मुझे कौन सा चुनाव लड़ना है। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी, जब लड़ाई झगड़ा या बहस खत्म हो जाती है तो उसके बाद मुझे अच्छे अच्छे जवाब याद आते हैं। जिनकी पत्नी रक्षाबंधन की छुट्टी मनाने मायके जा रही हैं, वो स्टेटस पर तिरंगा लगाकर आजादी का ऐलान कर सकते हैं। औरतें पता है दारू से नफरत क्यों करती हैं? मैं बताती हूँ, क्योंकि दारू पीने के बाद उनके चूहे जैसा पति शेर बन जाता है। इस घर में सब परफेक्ट है, ये 100% परफेक्ट, इनकी मम्मी परफेक्ट, दीदी परफेक्ट, भाई परफेक्ट, पूरा घर परफेक्ट। निकम्मी इनके घर में एक ही औरत आई है, वो हूँ मैं। अगर इनके घर में कोई फसाद की जड़ है तो वो हूँ मैं। अगर इनके घर का कोई काम अच्छा नहीं हो रहा है तो उसकी वजह हूँ मैं। अगर ये अपनी बहन के घर नहीं जाते हैं तो उसकी वजह कौन है? मैं। अगर ये अपनी मम्मी का हालचाल नहीं पूछते तो उसकी वजह कौन हूँ? मैं। तो इसका मतलब इस घर में सबसे निकम्मी कौन हूँ?